सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं दोबारा से ट्रेडर लाइफ सिम्युलेटर। तो भाई, जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट वाले एपिसोड में मैंने एक स्कूटर परचेस कर लिया था, जिससे यार हम आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, अपने घर पर भी और अपनी शॉप पर भी आराम से जा सकते हैं। और अपना स्कूटर भाई, ये देखो, ये रहा अपना स्कूटर, जो कि भाई एकदम मस्त है और इसको हम आराम से चला सकते हैं। लेकिन यार, जिसकी हैंडलिंग है ना भाई, वो काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि ये अगर हम इसको हल्का सा भी मोड़ते हैं ना भाई, ये पूरा भाई घूम जाता है। लेकिन स्कूटर काफी ज्यादा मस्त है। लेकिन गाइस, आज मैं परचेस करने वाला हूँ अपनी शॉप का सेकंड फ्लोर, जो कि आने वाला है $5,000 का। और $5,000 तुम्हारे भाई ने कलेक्ट कर लिया है, तो अभी फटाफट से चलते हैं अपनी शॉप पर। और देख रहे हो स्कूटर कितना ज्यादा गंदा है भाई, हल्का सा भी इसको मोड़ता हूँ ना तो भाई ये पूरा यू टर्न खा जाता है। पता नहीं मैं इसको कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। इससे तो अच्छी अपनी गाड़ी है भाई, गाड़ी मस्त है एकदम ओपी। स्कूटर ना मुझे लग रहा है ये वापस से उसी की दुकान पर बेच के आना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज्यादा गंदा है। और हाँ गाइस, अपन ना यहाँ पर काफी ज्यादा बीमार भी हो रखे हैं, तो मुझे यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि आखिर मेडिकल स्टोर वगैरह, डॉक्टर वगैरह की दुकान कहाँ पे है। शायद से इस वाले रास्ते पर, हाँ देखो वो रही मेडिकल शॉप। अबे यार, इसकी ऐसी की तैसी भाई, कहीं पर भी घूम जाता है भाई, हल्का सा भी इसको मोड़ता हूँ ना ये घूम जाता है। ओ भाई साहब, ये क्या सीन था भाई, यार इतना भी नहीं घूमना था भाई। तो चलो, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और फटाफट से इस भाई साहब जिसे मैं कुछ दवाई वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हो रखी है मेरी हालत खराब। तो चलो, यहाँ पर मैंने इससे दवाई परचेस कर ली है। और कहाँ पे है मेरी दवाई, कहाँ पे है दवाई, कहाँ पे, हेलो। ओ, इसने दवाई नहीं दी। अब यार, दवाई तो इसने दे दी है, तो अपन का जो यहाँ पर हंगर वार है ना भाई, वो खाली हो चुका है। मैं कह रहा यार, हेल्थ बढ़ी नहीं रही भाई, दवाई इसने दवाई भी खा ली और फिर भी हेल्थ यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। तो अब उनका जो हंगर बार है वो पूरा खाली हो चुका है। अभी मुझे फटाफट से यहाँ से कुछ खाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये स्कूटर ना मैं इस भाई साहब को दे देता हूँ। ये ले, आज से ये स्कूटर तू चला भाई, ये ना बहुत ही ज़्यादा गंदा स्कूटर है। चलो, यहाँ से मैं फटाफट से अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ। ओके डन। तो अभी मैंने यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया, अभी फटाफट से मैं अपनी शॉप ओपन कर देता हूँ। और गाइस, अभी जो अपनी शॉप है ना, वो देखो यार, पूरी खाली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे $5,000 इकट्ठे करने थे और उसकी वजह से ये सारा सामान मैंने बेच दिया। अभी अपनी शॉप यहाँ पर पूरी खाली हो चुकी है, तो मैं एक बार देखता हूँ यहाँ से कितना बैलेंस मुझे $100 के करीब मिल चुका है। और एक काम करता हूँ, मैं ना बैंक वाले से भी थोड़ा लोन वगैरह एक बार देख लेता हूँ। वैसे भी इसके $4,500 भाई माइनस में जा चुके हैं, और फिर भी $950। वैसे $50 का यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा। तो खैर, अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरी जो गाड़ी है वो कहाँ पर खड़ी है भाई, उस ऐसे इसकी बैक साइड में खड़ी है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, ये वाली गाड़ी अपनी उठाते हैं और चलते हैं अपने गाँव बांध पे, क्योंकि देखो वहाँ पर भी अपनी जो पेमेंट वगैरह है वो मुझे कलेक्ट करनी है, और उसके बाद हम यहाँ पर फ्लोर वगैरह परचेस करेंगे। तो चलता हूँ मैं फटाफट से अपने गाँव बांध पे, देखते हैं आखिर वहाँ पर कितनी पेमेंट वगैरह कलेक्ट हो चुकी है। वैसे काफ़ी सारी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वहाँ पर पेमेंट वगैरह कलेक्ट नहीं की है। तो चलो चलते हैं फटाफट से। ओके गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने गांव बांध पे। जल्दी से मैं अपनी गाड़ी से निकल लेता हूँ। और भाई यहाँ पर देखो, अपनी गांव मस्त आराम से खाना वगैरह खा रही है। तो खैर, फटाफट से मैं इससे पेमेंट कलेक्ट करता हूँ, देखते हैं आज का जो हमारा बोनी बट्टा है वो कितना हो चुका है। अबे यार, $568 भाई, इतने में क्या होगा भाई। इसने लास्ट टाइम मुझे $1,100 दिए थे, लेकिन अब की बार सिर्फ $500। सैसे मैंने उस दिन एक डे की पेमेंट कलेक्ट की थी या फिर दो डे की, पता नहीं यार। वैसे अभी अपने पास $5,800 है, तो अपना सेकंड फ्लोर तो आ जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से अपनी शॉप पर, देखते हैं जो वो फ्लोर है वो आखिर $5,000 का है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी शॉप पर, और अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ रहेगी और कोई भी इसको यहाँ पर छेड़ेगा नहीं, यानी कि कोई भी इसमें टक्कर नहीं मारेगा। तो चलो भी फटाफट से मैं ये शटर ओपन करता हूँ और चलते हैं भाई, देखते हैं कुछ और बिका है या फिर नहीं। वैसे मैंने अपनी शॉप ऐसे बंद कर दी थी, क्योंकि भाई कस्टमर वगैरह रेटिंग डाउन कर देते अपनी,
तो चलो $161 हमें और मिल चुका है, तो अपने पास टोटल $6,000 हो चुके हैं। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर जो वो फ्लोर है वो आखिर कितने का होने वाला है। भाई टोटल पूरे $5,000 का है ये, तो चलो यार परचेस तो करना ही है, बाकी का $1,000 का मैं कुछ सामान वगैरह लेकर आ जाऊंगा। तो चलो देखते हैं जो फ्लोर है वो कहाँ पे आज। ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पे फ्लोर वगैरह आ चुका है, ये रही इसकी स्टेयर्स, तो चलते हैं फटाफट से ऊपर की साइड में। ओके तो गाइस ये हमारा सेकंड फ्लोर, और वैसे यार ये काफी ज्यादा छोटा है, नीचे वाला जो हमारा फ्लोर है वो यार काफी ज्यादा बड़ा है। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सामान वगैरह रखने वाले हैं, तो इसको ना पूरा फुल करेंगे। लेकिन $1,000 में शायद से एक ही भाई फ्रिज वगैरह आ सकता है, तो चलो यार एक फ्रिज तो मैं लेकर आ जाऊंगा। अपने फ्लोर का कुछ तो यहाँ पर मुहूर्त वगैरह होगा, तो चलो मैं यहाँ से फटाफट से निकलता हूँ और चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप, हाँ शायद से अपने जो घर है उसके पास में ही है मेरी गाड़ी। एक काम करते हैं मैंने स्कूटर लेके चलता हूँ। अब पे शायद से यार एक दिक्कत हो चुकी है, देखो अपनी जो रेटिंग है ना वो डाउन है पूरी, उसकी वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं परचेज कर सकते। तो यार ये ना काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है भाई। देखो यहाँ पर हम कुछ परचेस नहीं कर सकते जब तक हमारी रेटिंग 50% नहीं चली जाती, तो तब तक हम यहाँ पर कुछ परचेस नहीं कर सकते। मुझे ना जयबर की शॉप से कुछ सामान लेकर आना चाहिए, या फिर थोड़ी फीस वगैरह ले ली जाए यहाँ पर। फिश वगैरह वैसे कोई खरीदता तो है नहीं यार, मुझे ना फटाफट से जयवर की शॉप पर चलना चाहिए और वहाँ से $1,000 में जितना भी सामान आएगा वो सारा ले लेना चाहिए। या फिर मुझे क्या करना चाहिए भाई, क्योंकि अपने पास सिर्फ $1,000 है और फ्लोर अपने पास हो चुका है, लेकिन सेकंड फ्लोर में रखने के लिए कुछ आइटम नहीं है भाई। उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पैसा और कलेक्ट करना पड़ेगा और अपनी जो रेटिंग है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कहाँ फंस गया मैं, ठीक है। और शायद से मुझे लग रहा है ना मुझे जयबर की शॉप पर ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हम सामान परचेस कर लाएंगे तो अपनी रेटिंग यहाँ पर बढ़ेगी। तो अपनी शॉप भी देखो भाई ऑटोमेटिक क्लोज हो चुकी है, क्योंकि अपने पास कुछ भी नहीं है भाई, सारा सामान यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो अपने बंदे अपने जो वर्कर है वो कस्टमरों को सेल कर सके, देखो एक भी सामान नहीं बचा है भाई। अब ये कंप्यूटर बेच दो भाई, अपन करीब हो चुके हैं यहाँ पर, कंप्यूटर बेच दो, ये जो स्क्रीन वगैरह ये बेच डालो भाई। तो चलो यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अपनी गाड़ी को यहीं पर लगा देता हूँ और फटाफट से निकलते हैं अपनी गाड़ी से और देखते हैं यहाँ पर $1,000 में मैं कितना सामान परचेस कर सकता हूँ। लेकिन $1,000 में मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ अच्छा खासा सामान हम परचेस कर लेंगे, क्योंकि भाई ये सामान भी भाई इतना महंगा है ना। फ्रिज का आइटम मैं थोड़ा बहुत ही लूँगा भाई, फ्रिज का आइटम इतना नहीं लेंगे हम, जो सस्ता सा है वो देख लेता हूँ, क्योंकि उससे ना काफ़ी ज़्यादा अपना आइटम वगैरह आ जाएगा और हम काफ़ी सारा सामान भी बेच सकते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, ये ठीक ये सही है, $45 का है शायद से, ये ले लेते हैं एक, और ये ले लेते हैं यहाँ पर चॉकलेट मिल्क, और यहाँ पर ये भी ठीक है $76। और क्या लिया जाए, चलो फ्रिज का इतना ही सामान काफ़ी है। फ्राइज़ वगैरह भाई $175 के आसपास है, तो वो तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पर थोड़ी चॉकलेट वगैरह रखी हुई है, चॉकलेट वगैरह ले लेते हैं। ओके गाइस तो मैंने सारा सामान अपनी गाड़ी में भर लिया है, लेकिन गाइस यहाँ पर देखो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मुझे ना पहले अपने घर पर जाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं ना फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और चलते हैं अपने घर पर, क्योंकि वहाँ पर मैं जाके सो जाऊँगा और शायद से मेरे पास थोड़े बहुत पैसे और आ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हो जाएगा और मुझे अपने पान हाउस से थोड़ा बहुत पेमेंट और मिल जाएगा, जिससे हम थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह परचेस कर लेंगे। तो चलो पहले चलते हैं अपने घर पर। तो चलो यार अगला दिन हो चुका है, अभी मैं फटाफट से एकदम से फ्रेश वगैरह शायद से मैं होकर सो गया था, हाँ फ्रेश वगैरह तो एकदम हो चुके हैं। अभी चलते हैं फटाफट से नीचे, और मैं अपनी गाड़ी अपने घर पर ही लेकर आ गया था। तो देखो यहाँ पर अपनी ये सामानों से भरी गाड़ी खड़ी हुई है भाई, जिसमें काफ़ी सारा सामान है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, हमें ना काफ़ी सारा सामान परचेस करना पड़ेगा। और अपनी दुकान भी देखो भाई ऑटोमेटिक ही क्लोज हो रही है, क्योंकि उसमें कुछ भाई बेचने को ही नहीं है, खाली पड़ी है एकदम से।
तो चलो गाइस अभी मैंने सारा सामान लगा दिया और यहाँ पर काफी सारे कस्टमर ने सामान खरीद भी लिया है। तो भी देखो अभी अपने पास थोड़ा बहुत पैसा भी आ चुका है, $1,000 अपने पास आ चुके हैं जिससे हम थोड़ा बहुत सामान और ला सकते हैं। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसा कलेक्ट किया जाए और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस किया जाए। लेकिन एक काम कर दे, पहले मैं कुछ खा पी लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो अपनी जो हेल्थ है वो पूरी डाउन हो चुकी है, 95-96 अभी हो चुकी है। तो यहाँ से पहले थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे मुझे क्या करना होगा। ओके डन, तो यहाँ पर मैंने अपनी पेट पूजा कर ली है। और यार एक काम करते हैं, मैं ना अभी चलता हूँ अपने बान हाउस पर, वहाँ पर देखते हैं अपनी जो पेमेंट वगैरह है वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर थोड़ा फर्नीचर वगैरह लेकर आते हैं क्योंकि जो मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आऊँगा उसके लिए थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह भी चाहिएगा। तो पहले यहाँ पर लेकर आते हैं फर्नीचर, उसके बाद हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो इस एपिसोड में तो नहीं आ पाएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो एक काम करेंगे अगले वाले एपिसोड में हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आएंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट से अपने बान हाउस पर। तो चलो यार फिलहाल मैं अपने बान हाउस पर आ चुका हूँ, अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर साइड में लगा देता हूँ, इसको ही ठोक देता हूँ। चलो अभी फटाफट से निकलते हैं और देखते हैं इसके पास कितना पैसा कलेक्ट हो चुका है। $200 दिए गए इसने हमें, ये क्या सीन हो रहा है। एक बार ही अपना मोबाइल ओपन किया जाए तो काउ 10 सिप 2 और चिकन 12 और डेली इनकम 650 और डेली कॉस्ट 82। लेकिन इसने हमको शायद से $200 दिए या फिर $600, पता नहीं यार इसने हमें कितने डॉलर दिए। तो चलो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखता हूँ, थोड़ी बहुत सेल्फ वगैरह परचेस कर लेता हूँ और उसको लेकर चलते हैं अपनी शॉप पर और ऊपर वाले फ्लोर पर मैं लगा दूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुझे लेना है काफ़ी सारा। चलो यहाँ पर देखते हैं वो वाली सेल्फ कहाँ पे है। हाँ वो रखी लास्ट में जिस पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आएगा अपना। ठीक है ये मैं परचेस कर लेता हूँ, ये $750 की है। ओके तो चलो ये भी मैंने लगा दिया है। अभी यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुझे लाना पड़ेगा लेकिन $55 है और रेटिंग हो चुकी है पूरी खत्म, रेटिंग पूरी डाउन हो रखी है तो सामान वगैरह तो नहीं आ पाएगा। एक बारी मैं देखता हूँ नीचे चल के कि कितना बैलेंस वगैरह कलेक्ट हो चुका है। यहाँ से मैं फटाफट से करता हूँ पैसा कलेक्ट। तो अभी तो $400 हमारे पास आ चुके हैं, तो $400 में तो यार इतना सामान नहीं आ पाएगा, तो बाकी का जो काम है वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना। और हाँ जो भी इस चैनल पर नया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।